बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठन अल बदर ने एक नया वीडियो जारी किया है। अल बदर की कश्मीर कमांडर जीनत उल इस्लाम के सेना के साथ मुठभेड़ में मारे जाने के बाद सामने आए इस वीडियो में अल बदर ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि बदला लेने के लिए उसके आतंकी तैयार हैं। अल बदर के वीडियो में आतंकवादियों को ट्रेनिंग लेते दिखाया गया है, जिसमें कुछ आतंकी कांटेदार तारों के नीचे से भी निकलते दिखाई दिए। वीडियो में कई आतंकी बारी बारी से फायरिंग करते हुए और आग के ऊपर से कूदते हुए नजर आए। वीडियो में एक गाने के जरिए आतंकवादियों को शहीद बताते हुए उनकी मौत का बदला लेने का दावा किया गया है। अल बदर के आतंकी हाथों में AK-47 राइफल लेकर नारेबाजी करते भी नजर आए। तो अल बदर का नया वीडियो सामने आया है और ये वीडियो सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाने वाला है। हाल ही में अल बदर के कमांडर जीनत उल इस्लाम की सेना ने उसको मार गिराया था और अब इस वीडियो के जरिए बदला लेने की धमकी दी गई है। आतंकी के बदले की बात कही गई है और जो ये वीडियो सामने आया है इसमें आप देख सकते हैं कई आतंकवादी ट्रेनिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में सुरक्षा बल ने एक एनकाउंटर के समय अल बदर के कमांडर जीनत उल इस्लाम को ढेर कर दिया था। अल बदर हाल ही में बनाया गया एक आतंकवादी संगठन है जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने कश्मीर में दहशत फैलाने के मकसद से तैयार किया है। दावा किया जाता है कि अल बदर में लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद से निकले आतंकी शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अल बदर को ओसामा बिन लादेन के आतंकवादी संगठन अलकायदा का भी समर्थन हासिल है। भारत 2004 में ही आतंकवादी संगठन अल बदर पर बैन लगा चुका है, जबकि अमेरिका में 2005 में अल बदर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों की लिस्ट में शामिल किया गया था। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। रिफत, जो ये नया वीडियो सामने आया है कई आतंकवादी इसमें ट्रेनिंग लेते नजर आ रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाने वाला है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो वीडियो है अल बदर ने जारी किया है और अल बदर जो मिलिटेंट तंजीम है काफ़ी टाइम से एक्टिव है, खासतौर से जम्मू कश्मीर में और हालिया दिनों में, खासतौर से अगर हम अक्टूबर ऑनवर्ड्स की बात करें या जून ऑनवर्ड्स 2018 रिक्रूटमेंट्स काफ़ी बढ़ गई थी कश्मीर में और जीनत उल इस्लाम जो किसी और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में पहले थे और उसके बाद जीनत उल इस्लाम ने भी ज्वाइन किया था अल बदर और हाल ही में जो एनकाउंटर में कुलगाम में जीनत उल इस्लाम जिनका कोड था डॉक्टर उस्मान वो मारे गए, उसके बाद ये वीडियो जारी किया है अल बदर ने और साफ तौर से भारत को धमकी दी है कि उनके जो मिलिटेंट्स हैं वो तैयार है भारत आने के लिए और जो लोग मारे गए हैं उनका बदला लेने के लिए भारत से वो आ रहे हैं। इस तरीके की धमकी उसमें दी गई है और वीडियो में साफ बताया गया है कि किस तरीके से मिलिटेंट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों की और किस तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं, गन की ट्रेनिंग कर रहे हैं, LMG चलाने की ट्रेनिंग कर रहे हैं और तारों के नीचे से निकल रहे हैं या इस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं जो अक्सर फौजी ट्रेनिंग के दौरान कर रहे हैं। तो ये दिखाने की कोशिश की गई है कि उनके मिलिटेंट्स वेल ट्रेंड हैं और वो भारत आ रहे हैं उन लोगों का बदला लेने के जो हालिया एनकाउंटर्स में मारे गए। खासतौर से ये वीडियो जो है ये जीनत उल इस्लाम के एनकाउंटर के बाद जारी किया गया है, जिसे ये समझा जा रहा है कि जीनत उल इस्लाम जो टॉप कमांडर थे यहाँ पे अल बदर के और ऑलमोस्ट कश्मीर में जो संगठन है एक्टिव अल बदर की, तो उसके वो इंचार्ज भी थे, कश्मीर बेस्ड कमांडर थे, तो उसके एनकाउंटर के बाद ये वीडियो जारी किया गया है। मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट्स भी बढ़ गई थी और समझाइए जा रहा था कि जीनतुल इस्लाम उसमें काफ़ी एक्टिव थे और अल बदर काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया था। यहाँ पे जिस तरीके से एक के बाद एक फोटोग्राफ्स आ रहे थे नौजवानों के और उन पर लिखा हुआ होता है कि अल बदर तंजीम इस दिन ज्वाइन की, उस दिन ज्वाइन की, तो उसके बाद ये वीडियो जो जारी हुआ है तो ये साफ तौर से भारत को धमकी दी गई है। बिल्कुल, तो दहशत फैलाना इसका मकसद है। रिफत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी मसूद अजहर भारत में बड़े हमले करने की फिराक में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकी मसूद अजहर 26 जनवरी और अफजल गुरु की बरसी पर बड़े हमले की तैयारी कर चुका है। बताया जा रहा है कि मसूद ने हमले के लिए जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादियों को पुंछ और कश्मीर के रास्ते भारत में घुसपैठ करवा चुका है। आतंकवादियों में मसूद अजहर का भतीजा हुफैजा भी शामिल है। सूत्र बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की सीमा में दाखिल हो चुके आतंकवादियों में अब्दुल रशीद गाजी, मोहम्मद उमर, मोहम्मद इस्माइल भी शामिल है। ये आतंकी जम्मू कश्मीर हाईवे पर सेना और पुलिस कैंप को निशाना बना सकते हैं। PDP नेता महबूबा मुफ्ती के बयान पर एक बार फिर से देश की सियासत गर्मा गई है। महबूबा ने अनंतनाग में कहा कि कश्मीर के लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है।
इतना ही नहीं, उन्होंने कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए अलगाववादियों और पाकिस्तान से बातचीत करने की भी वकालत की है और कहा कि लोकल आतंकी धरती पुत्र हैं, इसलिए उन्हें बचाना चाहिए। महबूबा के इस बयान का जहां कांग्रेस ने समर्थन किया है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के अलावा बीजेपी और जेडीयू ने महबूबा पर हमला करते हुए इसे मौका परस्ती करार दिया। मैंने हमेशा कहा है जो मिलिटेंट है, खासकर जो लोकल मिलिटेंट है, ये यहाँ का ही सन ऑफ द सॉइल, हमारी कोशिश होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा कि उसको हम बचा सकें, क्योंकि ये आपका असासा है। पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, अलहदगी पसंद लोगों से बात होनी चाहिए, इसी तरह जो मिलिटेंट लीडरशिप है उनके साथ भी बातचीत होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में पूर्व सीएम का बयान कि कश्मीर के लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, उस बाबत बात करने के लिए मुख्तार अब्बास नकवी जी, केंद्रीय मंत्री, सर किस तरीके से आप इस बयान को देखते हैं? देखिए, उनके कौन से बयान हैं, उनके कौन से अपने हैं, मुझे तो पता नहीं। अलगाववादी उनके अपने हैं, आतंकवादी उनके अपने हैं, कौन है अपना उनका, पहले तो वो स्पष्ट करें। जहाँ तक सवाल है, कश्मीर में जो शांति प्रिय लोग हैं, जो लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, कश्मीर को प्रगति की मुख्य धारा में लगातार आगे बढ़ाते रहना के पक्षधर है, वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। वो लोग जो लोग की तरक्की के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं, निश्चित तौर से उनको सुरक्षा बल रोकेगा। महबूबा मुफ्ती जी की ये बात तो सही है कि अटल जी का जो प्रयास था कश्मीर के अंदर, जो वो कश्मीर के लोगों के साथ, वहाँ के जो राजनीतिक दल थे, जो समाज सेवी थे, या जो भी वहाँ के जो कहा जाए कि स्टेक होल्डर्स थे, उन सबसे बातचीत उन्होंने करने की कोशिश की थी और लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया था, बस यात्रा भी उन्होंने की थी। तो आज ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार का जो रवैया है वो उसके विपरीत है। ये बात महबूबा मुफ्ती जी की काफ़ी हद तक सही है। एतराज हमें इस बात पे है कि जब उनकी हुकूमत थी तो आप क्यों नहीं जा रही थी, तब तो वो कुछ कर सकती थी उनके लिए, तब तो वो चीफ मिनिस्टर थी, वो यूनिफाइड कमांड की हेड थी, मरकज में उनका चलता था, प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका रवैया और राफ्ता जो है ठीक ठाक था, डिफेंस मिनिस्टर के साथ वो टेलीफोन पे बात करती थी। तो जब उनके पास ताकत थी तब तो वो गई नहीं इनके पास, जब वो इनके लिए कुछ कर सकती थी तब वो गई नहीं। आतंकियों के साथ किस प्रकार की बात हो सकती है, वो गोली की भाषा समझते हैं, गोली की भाषा में बात करते हैं, मुझे लगता है उनको इसी तरह से जवाब दिया जाना चाहिए। ये कितने प्रकार की जो मिलिटेंट आउटफिट्स हैं, कितने प्रकार के, कोई किससे बात करेंगे, ऐसा कोई है नहीं है। इस प्रकार की बात करना मुझे लगता है कि महबूबा जी की खिसकती हुई ज़मीन को वो दोबारा बरकरार रखना चाहती हैं। बातचीत के अलावा कश्मीर में और कोई रास्ता नहीं, लेकिन बातचीत उन लोगों से हो जो भारतीय संविधान के दायरे में बात करना चाहते हैं। अमित पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, कश्मीर में जो स्थानीय आतंकवादी हैं, वो अमन के रास्ते में बड़ा रोड़ा है, उसके बावजूद महबूबा मुफ्ती उनका समर्थन करती हैं। जी, महबूबा मुफ्ती का जो ये बयान है, इससे पहले भी उनके बयान विवादास्पद रहे हैं, जिसको लेकर हमेशा वो जो बीजेपी है उसके निशाने पर रही है। तो कमोबेश इस बार भी उनके बयान से घाटी में सियासत बेशक गरमाएगी और बीजेपी उसको इसी से जोड़कर देख रही है कि आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव, इस बात की पूरी संभावना है कि विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है, ऐसा बीजेपी करार दे रही है और ये मुद्दा प्रमुखता से जनता के बीच वो ले जाना चाहती है। बिल्कुल अमित, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई में दिल्ली के बुराड़ी जैसा मामला सामने आया है। मुंबई में रहने वाले एक 14 साल की लड़की ने खुदकुशी इसलिए की क्योंकि वो ये देखना चाहती थी कि उसकी आत्मा वापस उसके शरीर में आकर उसे जिंदा करती है या नहीं। लड़की को पूरा भरोसा था कि उसकी आत्मा लौटेगी और वो मरकर जिंदा हो जाएगी, इस चक्कर में उसकी जान चली गई। बताया जा रहा है कि ये लड़की यूट्यूब पर
एस्ट्रल ट्रेवल के वीडियो से प्रभावित थी। फिलहाल मुंबई पुलिस ने एडीआर दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। पुलिस भी मान रही है कि पीड़ित के फोन से कुछ वीडियो मिले हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि पीड़ित लड़की कुछ ट्राई करना चाहती थी। मुंबई में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसमें एक नाबालिग लड़की ने खुदकुशी कर ली है और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो खुदकुशी किसी वजह से नहीं बल्कि एक यूट्यूब पे एक वीडियो जो वायरल हो रहा था एस्ट्रल ट्रैवल इस नाम से, वो लड़की बार बार उस वीडियो को देखती थी। उसके बाद उसने इसे प्रयास करने की भी कोशिश की जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। आपको बताना चाहेंगे कि एस्ट्रल ट्रैवल जो एक वीडियो है और जो उसमें जो जानकारी है उसके मुताबिक होता है कि कोई भी इंसान अपनी शरीर से आत्मा उसकी जा सकती है और जाने के बाद वो जहाँ भी उसकी आत्मा घूम फिर के वापस उसी शरीर में आ सकती है। हालांकि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, लेकिन ये एस्ट्रल ट्रैवल का जो वीडियो देखकर जिन नाबालिग लड़की ने प्रयत्न किया, कोशिश की जिसमें उसकी जान चली गई। इस समय हमारे साथ उस पीड़ित बच्ची के चाचा जी हैं और उनके खुद उनके घर पर हम मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अरुण जी, बताइए कि जो बच्ची ने सुसाइड किया, क्या वजह क्या लग रही थी, किस वजह से सुसाइड किया उसने? एक्चुअली उसने पहले जो वीडियो देखा था एस्ट्रल ट्रैवल करके, उसने मतलब वो देख रही थी वो, उसके बाद में उसने वो करने की कोशिश की शायद, ऐसा मतलब हमको लग रहा है कि वो करने की उसने कोशिश की, तो वो जस्ट ऐसा लेटी थी कि मतलब वो उसमें था ऐसा वो वीडियो मतलब इसमें क्लिपिंग में कि उसने मतलब ऐसा बताया था कि थोड़ा टाइम के लिए अपनी आत्मा बाहर चली जाती है फिर सर्टन टाइम के बाद वापस अंदर आती है, तो वो शायद वो कोशिश वो कर रही थी। तो मेरी जो मदर है उसने मतलब वो ऐसा लेट रही थी तो उसने उसको उठाया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो करके, ऐसे ही क्यों मतलब अपना डेड बॉडी ऐसा क्यों सोई हो करके, तो उसको गुस्सा आया और फिर उसने वो उसमें मेरे मदर को उसने ये किया कि मेरे को ऐसा आप क्यों उठा रही हो करके, अब जस्ट मेरी आत्मा बाहर जा रही थी, आपने उसको रोका क्यों उसको, मैं बाद में आके आपको बताने वाली थी कि वो क्या होने वाला उधर, क्या हो रहा था क्या नहीं, मतलब इतना बच्चों लोग को ये हो रहा है उसमें। तो वो जस्ट उसके बाद में फिर वो अंदर टॉयलेट में चली गई और उसने वो ऐसा ये किया। कर्नाटक की कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार में जोड़ तोड़ की सियासत भी तेज हो गई है। राज्य में तेजी से बदलते सियासी हालात के बीच बीजेपी की तरफ से मुंबई के एक 5-स्टार होटल में कांग्रेस के 6 विधायकों के होने का दावा किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के विधायक बी नागेंद्र, रमेश जारकीहोली, गणेश उमेश जाधव, महेश कुंगतवली और प्रताप गौड़ा पाटिल होटल में मौजूद हैं, जबकि दावा यह भी है कि कर्नाटक सरकार से इस्तीफा देने वाले 2 निर्दलीय विधायक भी कांग्रेस के विधायकों के साथ शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इन 8 विधायकों के अलावा आज 3 और कांग्रेस के विधायक आनंद सिंह, नागेंद्र और कंपली गणेश भी होटल पहुंच सकते हैं। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर मंडरा रहे संकट को खारिज करते हुए डी शिव कुमार को आज कर्नाटक से मुंबई भेजने का फैसला किया है। कर्नाटक की जेडीएस कांग्रेस सरकार को लेकर सियासी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है और बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि जो उसके विधायक हैं कांग्रेस के उनके संपर्क में उन्हें तोड़ा जाए और कांग्रेस की सरकार को गिराया जाए। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश है कि जो विधायक उनके संपर्क में हैं उनसे बात की जाए और सरकार को बचाया जाए। लेकिन फिलहाल मैं इस वक्त मुंबई के रेनेसेंस होटल के ठीक सामने हूं जहां पर इस वक्त कांग्रेस के 6 विधायक और 2 निर्दलीय जो विधायक हैं जिन्होंने कल अपना समर्थन वापस ले लिया था, एच नागेश और आर शंकर, वो इस वक्त होटल में मौजूद हैं। और साथ ही साथ संभावना ये जताई जा रही है कि 3 और विधायक इन्हें थोड़ी देर में मुंबई पहुंचने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं और फिर वो संख्या 11 तक पहुंच जाएगी। हालांकि ये माना जा रहा है कि बीजेपी जो दावा कर रही है उसके मुताबिक 14 से 16 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और सरकार गिराने के लिए बीजेपी को इतने ही विधायकों की ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल सियासी घमासान लगातार जारी है। डी शिव कुमार जो कल मुंबई पहुँचने वाले थे वो आए नहीं, उन्होंने सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। रात में संजय निरुपम के आने की संभावना जताई जा रही थी लेकिन उनका भी कैंसिल हो गया। कांग्रेस के लोग हमेशा यहाँ पे होटलों में अलग अलग जगहों पर नज़र रख रहे हैं कि आखिर जो विधायक बीजेपी के संपर्क में है वो कहाँ जाते हैं, उनकी एक्टिविटी क्या है। लेकिन फिलहाल बीजेपी के लोग होटल में नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो उनका कन्वर्सेशन हो रहा है वो फ़ोन और अन्य चीज़ों के जरिए हो रहा है।